हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो गाइस, आज हमारे पास है S20 Plus। जैसा मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रहा इसका बॉक्स। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, कॉस्मिक ब्लैक कलर में हमें मिल जाता है। 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी मिल जाती है इसमें। तो ऐसा कुछ बॉक्स है जैसे मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे जो प्राइस लिखी हुई है, MRP, वो 83,000 लिखी हुई है। जैसा मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, बैक साइड पे कुछ नहीं है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस, अनबॉक्स करके ये निकलता है बॉक्स के अंदर। तो गाइस, ये रहा वो कंपार्टमेंट। यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है और इसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह मिल जाती हैं। जैसे मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, रखते हैं ये सब साइड पर। तो गाइस, जैसे मैं दिखा सकता हूँ, ये रहा हमारा फ़ोन S20 Plus, जो कॉस्मिक ब्लैक कलर में मिल जाता है। तो गाइस, यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं आपको चार्जर ब्रिक, जो कि 25 वॉट की है। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे फोकस करके, 25 वॉट की आपको चार्जर ब्रिक मिल जाती है। और जो केबल मिल जाती है आप लोगों को, वो टाइप सी टू टाइप सी मिल जाती है। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो रख देते हैं ये सब साइड पर। तो ऐसे आ जाते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। तो जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, S20 Plus कॉस्मिक ब्लैक कलर में मिल जाता है हमें। तो ऑन कर देते हैं इस फ़ोन को। तो ऐसे, जिस तरह आप लोगों को पता है, ये सेकेंड हैंड फ़ोन है, थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा। तो गाइज़, एक फ्लैगशिप फ़ोन आपको अगर 25-30 हज़ार की रेंज में मिल जाता है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ये लो के यानी लेना ठीक रहेगा, 2021 में या 22 में लेना ठीक रहेगा या नहीं। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बटन्स वगैरह। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम अप डाउन और ऑन ऑफ का बटन, और नीचे से आपको मिल जाता है स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है। तो लेफ्ट साइड से कुछ भी नहीं मिलता है। ऊपर वाली साइड से आपको सिम ट्रे मिल जाती है यहाँ पे, और ये नॉइस कैंसलिंग माइक। तो जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ गाइस, फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है और पंच होल डिस्प्ले इसमें आती है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो ये मैंने पहले सेटअप करके रखा है फ़ोन आप लोगों के लिए, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये रहा, स्टार्ट हो रहा है ये। तो गाइस, वीडियो आगे करने से आगे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही कम लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। 99% लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइज़, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइज़। ये रहा इसका iOS, सैमसंग गैलेक्सी S20 Plus का। तो गाइज़, इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो 64 MP, 12 MP, 12 MP और 0.3 MP का मिल जाता है आपको। तो फ्रंट में आपको जो पंच होल वाला है, वो आपको 10 MP का मिल जाता है। तो कैमरा भी दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में आप लोगों को। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये फ़ोन के बारे में थोड़ा बहुत। जैसे iOS, पहले मैं आप लोगों को कैमरा दिखा देता हूँ इसका। तो कैमरा क्वालिटी जो है इसकी, वो बहुत ही सही है, क्योंकि आपको इसमें अल्ट्रा वाइड, वाइड और टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। माइक्रो शॉट्स भी आप उठा सकते हैं। तो जो इसका फ्रंट कैमरा है, वो भी बहुत अच्छा कैमरा है, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करता है, जैसे मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। तो बहुत अच्छा आपको इसमें कैमरा मिल जाता है, क्योंकि फ्लैगशिप फ़ोन था अपने टाइम का। तो इस पे बहुत अच्छा आपको मिल जाता है कैमरा सेटअप। तो ब्राइटनेस, जैसे जैसे आप लोगों को पता है, इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, क्योंकि ये फ्लैगशिप फ़ोन है। और इसकी ब्राइटनेस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये है इसकी फुल ब्राइटनेस, जैसे मैं दिखा सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस है। जो भी फ़ोन मैंने आज तक अनबॉक्स किया है, उसमें सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस इसी फ़ोन की मेरे को देखने को मिल जाती है। इसमें बहुत सही ब्राइटनेस है, धूप में भी आप आराम से अपना स्क्रीन देख सकते हो। तो गाइस, इसमें आपको मिल जाता है प्रोसेसर एक्जिनॉस का 990 प्रोसेसर मिल जाता है, जो सैमसंग का फ्लैगशिप प्रोसेसर था 2020 में। जिस तरह ये आपको पता होगा कि 2020 में ये लॉन्च हुआ था, तो तब का वो फ्लैगशिप प्रोसेसर था एक्जिनॉस 990। तो इस पे आप हाई ग्राफिक्स गेम्स आराम से खेल सकते हो। तो गाइज, इसमें जो ये डिस्प्ले देख रहे हो आप, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है विद पंच होल स्क्रीन, जैसे मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो गाइज, ये वाटर प्रूफ भी है। IP68 की रेटिंग मिल जाती है इसमें आप लोगों को। और जो बैटरी है इसकी, वो 4500 mAh है, जो कि बहुत ही अच्छी बैटरी है एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस। तो
बहुत अच्छी बैटरी मिल जाती है आप लोगों को इस फ़ोन के अंदर। तो जैसा मैं आपको दिखा सकता हूँ कि फ़ोन जो है वो बहुत ही प्यारा और स्लिम है, जैसा मैं आपको दिखा सकता हूँ साइड से, तो फ़ोन जो है वो बहुत ही स्लिम है। जैसा मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसके ऊपर अभी लेमिनेशन चढ़ी हुई है, ये मैं उठा देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग देख सकें। तो लेमिनेशन लगा के भी सेम ही है डिवाइस, वैसे भी सेम ही है, लेमिनेशन रखनी चाहिए क्योंकि स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। फ्लैगशिप फ़ोन है तो इसका स्क्रीन भी बहुत महंगा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा है सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो इसका जो स्क्रीन है वो भी बहुत महंगा मिलता है। तो आपको मैं प्रेफर करूँगा कि गार्ड वगैरह लगाएं। 2021 में अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं या 2022 में ख़रीदना चाहते हैं, 25-30 हज़ार में आप लोगों को मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा पैकेज आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये गेमिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको इस पे एसफॉल्ट 9 भी खेल के दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा ग्राफिक्स का आइडिया आ जाएगा इस हिसाब से। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा गेम प्ले भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि कितनी अच्छी गेम इसमें चलती है। तो भाई जैसा आप देख सकते हैं, इसमें जो गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो खेलते हैं हम एक गेम। इसमें ब्राइटनेस जो है वो मैंने फुल रखी हुई है ऑलरेडी। तो जैसा मैं आपको दिखा सकता हूँ, पहले ब्राइटनेस दिखा देता हूँ जो फुल रखी हुई है मैंने ऑलरेडी, तो ब्राइटनेस बंद कर देते हैं, फुल ब्राइटनेस पे रखा हुआ है। तो गाइस जो इसका बैटरी बैकअप है वो भी ठीक ठाक है। इसके बाद मैं आपको इसका साउंड टेस्ट भी दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता है इसमें मोनो, इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर मिल जाते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी साउंड आती है और यहाँ से भी साउंड आती है। गेम के वक्त भी आपको 3D फील होता है। तो गाइस जैसे मैंने आप लोगों को इसका गेम प्ले दिखाया थोड़ा बहुत, तो उससे आपको, आप लोगों को पता चल गया होगा इसमें गेम कैसी चलती है। तो गेम जो है वो बहुत ही स्मूथ चलती है। तो अब मैं इसका आपको साउंड टेस्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें जो आपको डॉल्बी एटमॉस्फेयर के स्पीकर मिल जाते हैं, ड्यूअल स्पीकर, उनका टेस्ट दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, आइडिया हो जाए कि आपको साउंड कैसी मिलती है। तो सॉन्ग तो मैं NCS का ही लगाने वाला हूँ, क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट इशू हो जाता है। तो NCS का सॉन्ग लगा के मैं आप लोगों को इसका साउंड टेस्ट करवा देता हूँ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow. तो गाइस जैसे मैंने आप लोगों को इसका साउंड टेस्ट भी करवा दिया है, तो इसमें जो बेस है वो भी बहुत अच्छी है, साउंड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस्फेयर के स्पीकर्स मिल जाते हैं और ड्यूअल स्पीकर हैं। आपको मैंने दोनों साइड माइक रख के सुना दिया है, दोनों साइड से ऑडियो आती है, कोई इशू नहीं है। पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, सबसे टॉप क्लास डिस्प्ले मिल जाती है आपको इस फ़ोन में। तो गाइस मेरा जो ओपिनियन है वो ये है, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हो 2021 में या 2022 में, तो आप इसको इजीली परचेज़ कर सकते हो, 25-30 हज़ार की रेंज में आपको सेकेंड हैंड मिल जाता है 8GB रैम के साथ। तो गेमिंग भी बहुत ही अच्छी चलती है, साउंड भी अच्छी है, पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। थैंक यू।